एक सवाल ये आया है कि जिस जानवर को कुत्ते ने काटा है तो इसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है। इसका जवाब जहन में रखें, कुत्ते के काटने से अगर इस जानवर को कोई गहरा जख्म नहीं आया है तो जिस जानवर में कुर्बानी से माने कोई ऐब पैदा नहीं हुआ, या फिर जख्म तो गहरा आया है मगर वो ठीक हो चुका है, तो इस जानवर की कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से अगर एक माह ईद से पहले कोई ऐब पैदा हुआ हो और अगर ईद उल अजहा तक वो जख्म भर गया हो तो भी इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अलबत्ता अगर ऐसा जख्म आया है जिससे जानवर में कुर्बानी से माने ऐब कोई पैदा हो गया है, तो अगर कुर्बानी करने वाला साहिब निसाब है तो दूसरा जानवर खरीद कर इसकी कुर्बानी कर दे, और अगर कुर्बानी करने वाला फकीर है तो उसी जानवर की कुर्बानी करेगा, ये काफी हो जाएगी। बाकी कुत्ते के काटने से शरान कुर्बानी पर कोई फर्क नहीं आया।